खबर आ रही है, बड़ी खबर। दिल्ली में पूर्व मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री रही वसुंधरा राजे इस वक्त दिल्ली में है और आज ये एक अहम मुलाकात होने वाली है। सूत्रों के हवाले से ये बड़ी खबर है कि बीजेपी के बड़े नेताओं से इनकी मुलाकात हो सकती है। क्या बीजेपी के राष्ट्राध्यक्ष जेपी नड्डा इनसे मुलाकात करेंगे, शीर्ष नेतृत्व मिलेगा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज काशी में है तो दिल्ली में कौन इनसे भेंट करेगा, क्या अमित शाह भी इनसे मिलेंगे? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। यतेंद्र हमारे साथ हैं। यतेंद्र, कौन कौन इनसे मिलेगा और क्या ये दोनों रूठे हुए हैं, इनको मनाने की बात है? इनके हाथ को उनसे हाथ से कुर्सी तो चली गई, तो अब इनका क्या, इनकी क्या भूमिका होगी? प्रश्न यही बनता है यतेंद्र, क्या इस प्रश्न का उत्तर आज शाम तक हमें मिल जाएगा? देखिए आनंद, दोनों को दिल्ली बुलाया गया, दोनों से अलग अलग मुलाकात बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और गृहमंत्री अमित शाह इन दोनों से मुलाकात कर सकते हैं। और जो बात कुर्सी जाने की, लेकिन उसके बाद पूरी जो सरकार का जो समीकरण है वो इन दोनों को भरोसे में लेकर किया जाएगा, क्योंकि बीजेपी नेतृत्व हमेशा से अपने जो उनकी नीतियाँ रही हैं जो वरिष्ठ नेताओं को लेकर, उसको लेकर साफ तौर पर मैसेज है कि इन दोनों को भरोसे में लेकर ही वहाँ पर मंत्रिमंडल का गठन किया जाएगा, चाहे मध्य प्रदेश हो या राजस्थान की बात हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री और राजस्थान के मुख्यमंत्री कल बीजेपी नेतृत्व से मुलाकात कर चुके हैं और मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप होगा, किस तरह कितना आकार होगा, उसको लेकर चर्चा हुई है। लेकिन उसको अंतिम रूप इन दोनों ही नेताओं से बात करके किया जाएगा। मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान की क्या पसंद हो सकती है, उनकी क्या राय है, ऐसी राजस्थान में वसुंधरा राजे की क्या राय है, किसको वो मंत्री बनाना चाहते हैं, किसको क्या डिपार्टमेंट दिया जा सकता है, इस तरह की चर्चा यहाँ पर दोनों ही नेताओं से अलग अलग बैठकर बीजेपी नेतृत्व तय करेगा। और उम्मीद है कि आज शाम तक ये बैठक हो सकती है और इन दोनों के भविष्य को लेकर भी, कि संगठन में ही जो जिम्मेदारी वसुंधरा राजे अभी राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है, क्या शिवराज सिंह को भी संगठन में लाया जाएगा या सरकार, केंद्र सरकार की भी कोई विस्तार की संभावना है, वो इन सब बैठक, इन आज की बैठकों में इनको अभी चुनाव में की तो उल्टी गिनती शुरू हो गई है, अब इनको केंद्र में भूमिका का क्या रोल है, या फिर इनको ये कहा जाएगा कि ये अब लोकसभा का चुनाव लड़े और लोकसभा की तैयारी करें, क्योंकि दोनों ने अलग अलग तरीके से अपना शौक जताया था। वसुंधरा जी का तो वो वीडियो वायरल हो गया जब राजनाथ सिंह जी ने पर्ची दी और उनके चेहरे पे ऐसे सिट्टी पिट्टी गुल हो गई और फिर वो शौक दिख गया, शौक लगा, वो मोमेंट ही कैप्चर हो गया। दूसरा, यहाँ मामा जी अगले दिन लाडली बहनाओं के साथ खड़े थे और फिर उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया, देखिए मैं वहाँ जाता नहीं, वो पुरानी बात थी लेकिन वो बात भी आ गई और सामने से दिख रहा था कि मामा जी खुश नहीं है कि 163 सीटों के बावजूद कुर्सी उनके पास वापस नहीं आई। तो कहीं ना कहीं आप बताइए, अंदर खाने में क्या बातचीत हो रही है, इनकी क्या भूमिका होने वाली है, या फिर इन्हें धीरे 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 रिटायर्ड हट कर दिया जाएगा? देखिए आनंद, जैसे जैसे उम्र बढ़ती चली जाती है नेताओं की, उन्हें वो रिटायर्ड हट की तरफ ही जाती है। और 75 इयर्स का जो फॉर्मूला बीजेपी ने तय किया है कि 75 इयर्स के बाद एक्टिव पॉलिटिक्स से उनको अलग हटाकर बाकी की भूमिकाओं में लगाया जाता है, और वसुंधरा राजे खुद उसी उम्र के आसपास हैं, शिवराज सिंह चौहान भी लगातार काफ़ी उम्र उनकी हो चुकी, तो ऐसे में उनकी क्या भूमिका होगी? क्योंकि मैंने पहले भी कहा, लोकसभा चुनाव तो है ही, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार प्रधानमंत्री का विशेषाधिकार होता है। हालांकि 2 से 3 महीने बाकी रह गए हैं क्योंकि लोकसभा आपकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, लेकिन उनका विशेषाधिकार है कि वो करते हैं या फिर संगठन में इनकी भूमिका देकर इनको लोकसभा चुनाव की रणनीति के तहत इनको लगाया जाता है, और मंत्रिमंडल विस्तार में भी इनकी अहम भूमिका होगी। और शायद यही कारण है कि इन दोनों को अलग अलग आज बीजेपी नेतृत्व मिलेगा और इनकी राय को भी इनसे पूछा जाएगा और उसी आधार पर मंत्रिमंडल, दोनों ही राज्यों में मंत्रिमंडल का विस्तार किया जाएगा। तो अब आप दोनों साथ में मिलेंगे, अलग अलग मिलेंगे और किन से मिलेंगे? क्योंकि पार्टी के अंदर की बात अब राष्ट्राध्यक्ष से होगी, सरकार के अंदर की बात वो तो फिर सरकार के मौजूद नेताओं से होगी। तो क्या अमित शाह जी से भी इनकी मुलाकात तय है? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनसे मिलेंगे? देखिए बिल्कुल, पार्टी की बात हो या सरकार की बात हो, तमाम बीजेपी अध्यक्ष भी उसमें काफ़ी सक्रिय भूमिका निभाते हैं, गृहमंत्री अमित शाह का भी उसमें काफ़ी दखलअंदाज रहता है, यानी कि दोनों की राय काफ़ी महत्वपूर्ण होती है और दोनों ही अलग अलग मिलेंगे। क्योंकि राजस्थान में मंत्रिमंडल का विस्तार, मंत्रिमंडल में किस किस को जगह दी जा सकती है या उनकी क्या राय है, इसको लेकर वसुंधरा राजे से मुलाकात होगी। ऐसी मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल का स्वरूप क्या होगा, किस तरह से आगे काम करेगा, उसमें शिवराज सिंह चौहान से उनकी भूमिका, उनसे उनकी राय पूछी जाएगी। और आने वाले समय में चाहे वो सरकार हो या
संगठनों या लोकसभा चुनाव की रणनीति हो, उन दोनों की भूमिका क्या होगी, इसको लेकर भी चर्चा बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा या गृह मंत्री अमित शाह उनसे कर सकते हैं। बीजेपी संगठन मंत्री बीएल संतोष से भी उनकी मुलाकात इस दौरान हो सकती है। यानी कि सब कुछ, क्योंकि सामूहिक नेतृत्व के साथ बीजेपी चुनाव में जाती है और वो सामूहिक नेतृत्व इन सबको मिलाकर बनता है और बाद में प्रधानमंत्री के साथ उनकी राय को रखकर जो भी उसमें से निकलेगा उसको कंक्लूजन करके उसको रखा जाएगा और उसके बाद उस आधार पर मध्य प्रदेश राजस्थान में उनकी भूमिका और सरकार का। राजनीति में कई बार ऐसा होता है जो बीत गई सो बात गई, उन्हें भुला दी जाती है, पर कुछ बातें हैं जो कभी नहीं भुलाई जाती हैं। और खासकर रानी साहिबा के व्यवहार में अगर कुछ चीजें हुई हैं गत 2-3 वर्षों में जो शायद बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व कभी भुलाएगा नहीं।